त्याग गुर सरणी आया राखो राखन हारे जित तुम लावे तित हम लागे क्या एह जंत विचारे मेरे राम जी तू प्रभ अंतर जामी कर कृपा गुरुदेव दयाला गुण गावा नित स्वामी विसर नाहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो सो कहो टल गुर सेवी अहे निस सहज सुभाए दर्शन परस गुरु के जन्म मरण दुख जाए ओ सिफत कसामनी और अरसो कुरसो तुध डिठे सचे पात शाह माल जानम जानम दी सजना सचा पात शाह सिर साहांद साहो जिस पास बैठिया सोही है सब नांद सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी जैत श्री महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवै जोर चरण गहो बको शुभ रसना दीज है प्राण अकोर
जान हर स्यों देवै जोर। चरण गहो बको शुभ रसना, दीज है प्राण अकोर। रहाओ मन तन निर्मल करत के आरो, हर सिंचै सुधा संजोर। या रस मह मगन होत कृपा ते, महा बिखिया ते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन, चितबाव तुमरी और। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। आयो शरण दीन दुख पंजन, चितवाओ तुमरी ओर। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन्म के दुख जो चाहत सोई मन पायो। कर कृपा हर नाम सर्व सुख, हर नाम बढ़ाई गुर प्रसाद नानक मत पाई। पातत पावन भगत वत्सल करुणा निदान अंतरजामी सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे हजूर सवाईमान गुरु सवारे गुरु प्यारे खालसा सतसंगी जनों, वड्डे भाग हन अपने सभना दे जिन्हां ते सतगुरां जी ने कृपा करके सत संगत करन दा सुभागा समां बख्शिया है। सतगुरां जी दी अमृतमई बाणी श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन गुरु घर दे सत्कारयोग कीर्तनियां दी मुबारक रसना द्वारा श्रवण कीते हन। हुण समा बनिया है महा आनंद गुर शब्द विचार दा। आओ मन ते चित एकाग्र करके श्रवण करिए, ਤਾਂ ਕਿ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲੀਆਂ ਹੋ ਸਕਣ। ਹਾਂਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜੈ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖਵਾਕ ਜੈਤ ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਦੋ ਪਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਚਮ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ
गुरु अर्जन देव जी महाराज बख्शिश कर रहे हैं। हाँ जी, कोई जन हर स्यों देवै जोर, शब्द दे अंदर जदों किसी भागां वाले मनुख दे अंदर परमात्मा नूं मिलण दी तांग पैदा हुंदी है, ओ फिर रस्ता लभदा है। गुरु नानक साहब जी कहिंदे वी सब मैं जोत, जोत है सोए तिस दा चानण, सब मैं चानण होए गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत इस भावै सो आरती होए। सारी मनुखता दे अंदर परमात्मा दी जोत है, नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, देही मैं इसका विश्राम। सारिया दे अंदर परमात्मा दा नाम है, सब दे अंदर उनू नाम किया, उस नू जोत किया। फिर खालक 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 मैं खालक पूर रहो सर्व ठाई, खालक 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 मैं खालक, जितनी भी खलकत है उना सारियां दे विच खालक वाहिगुरु परमेश्वर आप मौजूद है सब दे अंदर। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोजै सो पावै, जो परमात्मा ब्रह्मांड दे विच मौजूद है वो साडे विच भी मौजूद है, क्योंकि असी ब्रह्मांड दा हिस्सा है। पर जो खोजै सो पावै, जेड़ा लभदा वो उनू प्राप्त कर लैंदा है। पीपा परण वै परम तत् है, सतगुर होए लखावै। भगत पीपा जी कहिंदे वी परम तत् है, सतगुरु जी ही जना सकदे ने, गुरु तो बिना नहीं। 15 भगतां दी बाणी है, 6 गुरु साहिबान जी दी बाणी है, 4 गुरसिखां दी है ते 11 भट्टां दी है। ते सारी बाणी दा आशा इक्को ही है, बाणी गुरु नानक साहिब जी दी है, ते उसे बाणी दी व्याख्या कीती होई है। बाकी गुरु साहिबानां ने भगतां ने अपने अपने तरीके दे नाल ताते इक्का बाणी इक गुर इक्को शब्द विचार, सच्चा सौदा हट सच रतनी भरे भंडार। हुण भगत पीपा जी भी यही गल कह रहे ने भी सतगुर होए लखावै, ते गुरु नानक साहिब जी भी यही गल कह रहे ने भी गुर साखी जोत प्रगट होए। हुण सारिआं दे विच परमात्मा दी जोत है, जिहड़ा परमात्मा ब्रह्मांड दे विच मौजूद है वह साडे विच भी मौजूद है, साब दे विच। अवल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले हो बंदे। सारा संसार इक्को ही नूर तो होंद दे विच आया, जिवें सूरज इक है ते किरणा ओदियां अनेकां ही ने, पर सारियां किरणा है ते सूरज दियां ही है।
चंद्रमा रात नूं चमकदा किरणा किनियां ने, पर सारियां किरणा उस चंद्रमा दियां ने, कोई किरण उस तों वक्खरी नहीं है। इस तरह जितने भी असी जीव हाँ उहदा नूर हाँ उहदियां किरणा असी उस तों वक्खरियां नहीं हाँ। वह सूरज रूप है ते असी सारे जीव उस परमात्मा दियां किरण है। हुण किरणा जिहड़ियां ने वह फुल ते भी पैनियां ते गंदगी ते भी पैनियां, पर इहदे नाल ना किरणा नूं फर्क पैंदा ते ना सूरज नूं फर्क पैंदा, उहनूं कोई फर्क नहीं पैंदा, किरणा सब थावां ते ने। इस तरह सतगुरु जी कहिंदे वी जीव चाहे चंगे है चाहे माड़े है, पर जोत सारिआं दे विच परमात्मा दी हैगी है, सब दे विच है, चंगे विच भी है ते माड़े विच भी है। जे कोई माड़े कर्म करदा है तां जोत उस तों निकल नहीं जांदी, क्योंकि जोत निर्मल है पवित्र है, उहदे उत्ते साडे कीते हुए कर्मां दा असर नहीं हुंदा। ਤਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਾੜੇ ਨਾ ਬਣੀਏ ਤੇ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਐਨਰਜੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੇਸਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਕੌਣ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾੜੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਬਾਹਰ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਕੌਣ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਬੈਠਿਆ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ, ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਦੂਰ। ਉਹ ਵਾਚ ਰਿਹਾ ਸਭ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤੇ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਜੀਵ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਦਾ ਫਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਵੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣੀ, ਰੱਬ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਦੱਸ ਭਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਸਾਰੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੂਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪਾਣੀ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨਮੁੱਖ ਹੈ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੰਨਦਾ ਕਿਤੇ, ਉਹ ਐਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਸਕਾਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿਵੇਂ ਨਦੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਨਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਮੀਂਹ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਚੱਲ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਨਦੀਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲੇ, ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਚੱਲੇ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਇੱਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਨਦੀ ਦੀ ਨਿਆਈ। ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਵੇਂ?
के सिख साखा बहुते किए केसो कियो न मीत चाले थे हर मिलन को बिचे अटक्यो चीत। जदों ध्यान साधना दे विच थोड़ी पावर मिली रिधियां सिधियां थोड़ियां आ गई धार्मिक भाषा दे विच कहने आपां इन्हां नूं ते फिर किसे नूं कोई गल कही ते उह पूरी हो गई ते उहदे नाल बंदा उहदे नाल जुड़ गया ते उहनूं फिर अपना चेला बना लिया ते फिर सहजे सहजे उहनां दे नाल संबंध बना ले। सिख साख बहुते कीए केसो कियो ना मीत। हुण चेले चपटे बना ले उहनां दे विच फिर अपने संबंध बना ले धर्म दे। तू मेरी धर्म दी मां है, तू भरम दी भैण है, तू भरा है जी। हुण उहनां दा चित जिहड़ा ना उहदे विच अटक गया। गुरु नानक साहिब जी कहिंदे वी करामात कैर है, करामात शक्ति कैर दा नाम है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कह रहे ने नाटक चेटक किए को काजा प्रभ लोगन कै आवत लाजा। रिद्ध सिद्ध सा मोह है नाम न वसे मन आए। रिद्ध सिद्ध सब अवरा साध, रिद्ध सिद्ध सब नाम है कि दासी। तो करामात कहर दा नाम की है भी किमें है। सतगुरु जी कहिंदे भी जे अपनियां दे भले लई वरतेगा ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਮਾੜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਕਹਿਰ ਹੈ। ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਜੁੜ ਗਏ ਨਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਾਇਜ਼ ਨਜਾਇਜ਼ ਸਭ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। सो जिमें नदी चली तो सही पर रास्ते दे विच रुक गई। जेड़ी थोड़ी साधना करके शक्ति मिली उहने वंडती ते जदों वंडती ते फिर उह रह गया खाली, आप खाली हो जांदे। महाराजा रणजीत सिंह जी दे समय दी इक घटना है के थोड़ी किणमन काणी हो रही है, धरती गिली है ते कुछ सिखा ने अपने घोड़े ना एक महाराजा रणजीत सिंह दा जिहड़ा घोड़ा सी ना वह उच्ची थां ते बन्नता। वह किसे पीर दे बैठण दा थड़ा सी, उत्थे कोई पीर बैठ के बंदगी करदा होना ते जदों उहने आके देखिया भी थड़े ते घोड़ा खड़िया है, उहने अपनी करामात दे नाल घोड़ा मारता। चुटकी मारिया करे घोड़ा मार दिया करे। हुण महाराज जी कोल गए, महाराज नूं पुछिया जी कपीर है उह ऐं करदा वी किवें करिए हुण चाटा छका दीए। उह सियाणा सी कहिंदा वी हले नहीं, इक घोड़ा होर बन्नो। उत्थे दूसरा घोड़ा बन्निया, उहने उह वी चुटकी मार के मारता। करदिआं करदिआं जी 16 घोड़े उहने मारते। चुटकी मारिया करे घोड़ा सिट दिया करे। जदों 17वां घोड़ा बन्निया उहने चुटकी मारी, घोड़ा डिगण लग्या पर घोड़ा खड़ गया। फिर उह चुटकियां मारी गया, घोड़े दा नहीं कुछ बिगड़िया। ते जदों हुण कहा वी हुण जी उहदी चुटकी कम नहीं करदी, फिर महाराजा रणजीत सिंह कहिंदा वी हुण जुत्ती कढ लो। हुण मार मार के ना सिर दे विच छित्तर मार मार के मार दिओ उहनूं। ਹੁਣ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, 16 ਘੋੜੇ ਮਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਜ਼ਮਤ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਮਿਲੀ, ਪਰ ਇਹਨੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਵਾ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਾਪਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੇ ਥੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਕੋ ਵਿੱਚੇ ਅਟਕਿਓ ਚੀਤ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਖਾਲੀ।
रब नूं मिलण वास्ते चले तां सन, पर जिवें नदी रास्ते दे विच रुक गई, समुंदर तक नहीं पहुंची, इस तरह फिर अपने चेले चपटियां दे विच उलझ के रह जांदे ने। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। ये सारे रुके हुए ने, आ जिन्ना भी साडा लाना ना मत्था टकाउण वाला, मत्था टकाउण वाला जिन्ना भी लाना है, क्योंकि गुरु नानक दे धर्म दे विच मत्था टेकना ते टकाउणा मन है। सानू हुक्म है रहतनाम्यां दे विच भी आगे आवत सिंह जो पावे वाहिगुरु जी की फतेह बुलावे, भी मत्था तां ना सी टेकना ते ना टकाउणा है, पर हुण जिहड़े मत्थे टकाउण ते इह सारे ओही ने, भी इहनां नूं थोड़ी सिद्धि तां प्राप्त होई, पर हुण वंड के खाली हो गए, है कुछ नहीं, हुण लपौड़ संख ने कुछ नहीं हुंदा इहनां ने कीतिआं, जो कुछ है सी उह वंडता। रब नूं मिलण वास्ते चले सन ते उहनां दे विच अटक के रह गए, क्योंकि रब नूं मिलण वालिआं दे नाल इकट्ठ नहीं कदे होया कर सकदा। भगत कबीर साहब जी नूं पुछो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਿਹੋ ਕਬੀਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਘਾਟੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋ ਨੀਕੀ ਏਤ ਮਾਰਗ ਜਾਣਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਭੀੜ ਤਾਂ ਚੜਦੀ ਓ ਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਕੋਟਨ ਮੈਂ ਕੋਊ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੇ ਚੀਤ, ਕਰੋੜਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਪਾਂਧੀ ਬਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੀੜ ਲੈ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਭੀੜ ਹੋਊਗੀ ਇੰਨੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ, ਚੰਗਾ ਨਾਂ ਰਖਾਏ ਕਹਿ ਜਸ ਕੀਰਤ ਜਗ ਲੇ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਇਕੱਠ ਬੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਦੂਸਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਮੀਡੀਆ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਗੁਪਤ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੇ ਮੇਰੇ, ਇੰਨਿਆਂ ਨੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁਣ ਉਹੀ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵੱਧ ਗਏ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘੱਟ ਗਏ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਾਉਣੀ ਤੇ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੌਣ ਸੁਣਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁਣੇ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੁਣਨ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਤੇ ਨਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਦਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਾ ਕਰਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਜੇ ਜੁਗ ਚਾਰੇ ਆਰ ਜਾ ਹੋਰ ਦਸੂਣੀ ਹੋਏ, ਨਵਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਏ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਸਭ ਕੋਏ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌ ਖੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨੌ ਖੰਡ, ਪਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂ, ਜੇ ਤਿਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵਈ ਤਾਂ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਹਿੰਦਾ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਵਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੱਬ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਪਾਸਾ ਖਤਮ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਦਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਤਾ। ਤੋ ਇਹ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਰਹਿ ਗਏ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਰਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਤੇ ਕੀਆਂ ਬਾਤਾਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਿਹਾ।
मालिक ने जो कुछ करना वो कर रहा है ते आपां नूं रोक ही नहीं सकते। एक तरीका सतगुरां जी ने दस्या भी आपां ना उहदे बच्चे हैं ते जे किते आपां उहदे अगे लम्मे पै जाइए कहिए भी पातशाह हम अवगुण भरे एक गुण नाही, जे किते लम्मे पै के अरदास करिए ता मालक तरस करदा बख्श देंदा गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पर जे कोई कहे ना भी बचोला बन के भी मैं बख्शा देंगा वो नहीं किसी की परवाह करता है, वो तो जो किस करना सो कर रहा, जो उन्हें करना कर ही रहा है। एक गुरमुखो फिर दरिया दी न्याई ने, दरिया दी न्याई हुण दरिया जिहड़ा है वह चलदा बर्फ पिंगल दी पहाड़ां दे विच ते अपने सौ समुंदर तक पहुंचदा, उत्थे पहुंचदा। हुण जिहड़े दरियावां दी तरह चले हुए ने, दरिया दिन रात चलदा है ते जिहड़े दिन रात लगे हुए ने वह फिर अपने मालक तक पहुंच जांदे हन। यह निरंतर है वाहिगुरु जी का काम के उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जानकै साध काम। साडा काम है दिन रात उठद्या बहिंद्या सौंद्या उस वाहिगुरु जी का सिमरन करना, हर एक का काम है, हर एक जीव का काम है। सो भाई भई प्राप्त मां दुख दे होरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया। यह मनुखा जन्म जेड़ा वो परमात्मा नूं मिलन वास्ते सानू मिलिया होया, कोई भागा वाला जेड़ा यह सोचता भी मेरे जीवन का मकसद की है, नहीं तो पता ही नहीं चलता भी मेरा संसार दे विच आउणा कादे वास्ते होया, सौण वास्ते, खाण वास्ते, बच्चे पैदा करन वास्ते, पालन वास्ते। ओ भले ओ इह काम तां पशु भी करी जांदे आ, पंछी भी करी जांदे आ, उहनां दे भी बच्चे ने, ओह भी बच्चिआं नूं पालदे ने। ते जे साडा इन्ना की काम है भी ठीक है जी बच्चे हो गए पालते, इह तां पशु पंछी काम करी जांदे। फिर आप पशु पंछियों तो फिर शिरोमणि किहड़े पासे तो हो गए, इस धरती में तेरी सिकदारी अवर जोन तेरी पनिहारी बनया तो तू सरदार फिरदा इस धरती का, ते काम तू ओ ही करदा। सतगुरु जी कहंदे जो ना सुने जस परमानंदा पाश पंखी तिरगत जोन ते मंदा। मनुखा जन्म परा के जेड़ा परमात्मा का जस नहीं सुनदा, सतगुरु जी कहते पशुआ नालों भी पंछियों नालों भी माड़ा है, चंगा नहीं माड़ा। माड़ा क्यों है? क्योंकि पशु पंछू कोई माड़ा कर्म करते नहीं, और कुदरत दे अनुसार अपना जीवन जिउंदे आ, कुदरत दे बनाए हुए नियमों की उलंघना नहीं करते। ते मनुख कदे कुदरत दे नियमों नूं मनदा ही नहीं, कदे भी नहीं राजी होया, कदे भी नहीं राजी होया, कदे तां कह दे भी बड़ा वधिया है, ना कहिंदा भी ठीक नहीं है, कदे नहीं खुश होया। इह धरती दा सरदार जिहदियां जूंदियां पानी भरन वालियां, इह सरदार कदे खुश नहीं होया, उहनां दा पानी भरन लग गया जिहड़ियां जूंदियां इहदा पानी भरन वालियां सन, उहनां दा पानी भरदा फिरदा जिहना जिहड़ियां इहदा जिहदी सेवा दे विच सन। पै गया देवी देवत्यां दे पिछे, पीरां फकीरां दे पिछे पै गया, ग्रहां दे पिछे पै गया, रब वाला पासा छाड़ी हो गया, उहनां दा पानी भरदा फिरदा। साहब जी कहंदे तू माड़ा है पशियां पशुआं नालों भी ते पंछियां नालों भी, ते तिरगत कहंदे ने टेढ़ियां जूनियां नूं, जेड़े टेढ़े होके चलते जिवें सप टेढ़ा होके चलता, कहंदे तू सप नालों भी माड़ा है। हुण सप चंगा हो सकदा किसी पासे तो, जहर च जमदा, जहर च रहिंदा, जहर वंडदा, जहर च मर जांदा, पर सतगुरु जी कहंदे तू उहदे नालों भी माड़ा है, क्योंकि सप दा डंगिया बच जू पर इंसान दा डंगिया नहीं बचदा, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। क्योंकि सप दा डंगिया उहदा बचाउण वास्ते तां गरड़ हैगी है, पर जिहनूं बंदा डंग जावे, बंदे दे डंगे दा इलाज कोई नहीं है, कोई मंत्र बनिया नहीं बंदे दे डंग तों बचा लवे। इस करके कोई विरले है जिन्हां ने इस गल नूं सोचिया भी साडा जीवन दे विच आउण दा मकसद की है। आ जदों कोई चढ़ाई कर जांदा ना उत्थे खड़े हो जांदे आ फिर संघर्ष दी देण वाले। मैनूं तां इक्को ही गुरुद्वारा इत्थे होती मरदान है अपने,
उत्थे उन्होंने नियम बनाया भी सिर्फ चौपाई साहब का पाठ संगती रूप दे विच करना, किसी ने किसी बारे कुछ नहीं बोलना, बाणी राही ही सतगुरां जी दे अगे अरदास करनी। बहुत वधिया। ते साडिया राजनीतिक ढांचा इहदे विच बदला नहीं है। ये कहिंदे सन दा ए बंदे नूं शांति उदों मिलूगी जदों कोई लीडर आके संधांजलि देऊगा, ना उत्थे खंड पाठ साडा, ना साडा कीर्तन, ना कथा, कोई शांति नहीं दिंदी। ना कोई लीडर आके संधांजलि दवे फिर बापू नूं शांति मिलनी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु, संधांजलि जाऊगी रब तक। जिन्हें दिन तो सवेर तो लैके शाम तक झूठ बोलना, लीडर का काम की है? झूठ बोलना ही होंदा इन्हां दा काम। उन्हां दे बोले तो संधांजलि जाऊ बापू नूं, साडी नहीं जांदी। गुरमुख मैं कहना भी दो संधांजलि, पर दसो उन्हें समाज दे लई कीता की है? अपने न्याणे जम्मे पाले व्याहे सैट किते, ये कादी संधांजलि? ये तो उहदा फर्ज सी, उहदी जिम्मेदारी बनदी सी। हुण गुआंढियां ने थोड़ी न्याणे सैट करने सी, जिन्हें जम्मे उन्हें करने सी। दसो कोई गुआंढियां दा बच्चा सैट करे, किसी गरीब का कोई भला करे? जिस दिन का संसार च आया, लखा का मालिक है, करोड़ों का, अरबों का मालिक है, जे ता काम किया फिर संधांजलि दो। हो सकता कोई इस पासे तुर पवे सुन के भी चलो आप भी चंगा काम कर लीए। आ कादी संधांजलि हो जी, जमया जी व्याया गया, न्याणे हो गए, पाल ले पढ़ाते व्याहते सैट करते जी संधांजलि, ये तो सारे करते ने। सो कोई समाज दे लई असीं की कीता? विच दुनिया सेव कमाई है तां दरगह बैसण पाई है, कहो नानक बां लुड़ाई है। सो नहीं तां बंदा आउंदा ते चलिया जांदा है, पर यह सोचदा नहीं भी मेरे आउण दा मकसद की है। किसे दे किरपा होई साध संगत दे विच आके जिन्हों ये समझ लगी कि मेरे आउण दा मकसद की है, क्या मेरा आ मकसद है जो मैं कर रहे हैं? नहीं। और जिन्हां दे अंदर ये भावना पैदा हुई, जिन्हां दे अंदर ये आस पैदा हुई, वह फिर हुण रास्ता लभदे ने गुरमुखो भी रब जी नूं किवें मिलिया जावे। फिर उन्हां दे अंदरों यह आवाज आउंदी है, केड़ी? कोई जन हर स्यों देवै जोर। हुण जोड़न वाला कौन है भाई? वह है जन सेवक। वाहिगुरु जी का सेवक ओ रब दे नाल सानू जोड़ सकता है। की जोड़ सकता है? सतगुरु जी कहंदे भी तिना देख मन चाओ उठंदा हों कद पाई गुण सस। जिन्हां दे जीवन नूं वेख के साडे मन दे विच चा पैदा हुंदा होवे कि आपां भी उन्हां दा जीवन सुन के अमृत वेले दी संभाल कर लीए, आपां भी अमृत छक लीए, ते आपां भी रहत च रह के रब नूं मिलण दी उद्दम करिए। इहदे विच शब्द नहीं हन भी बोल के दस्या जांदा कुछ, इह तां देख के ही चा पैदा हुंदा है। भाई लहणा गुरु नानक साहब जी दे कोल आया है, गुरु नानक साहब जी ने कुछ नहीं कहा भाई लहणे नूं भी तूं की करना है ना। जदों वह पहली बार घरे जाके दुआरे आया, माता सुलखणी जी नूं पुछया पातशाह कित्थे ने, उन्होंने कहा भी वह सामने झोना लग्या, उहदी गुडाई करा रहे ने, क्योंकि रावी दे किनारे करतारपुर है जी, पानी का साधन होने करके झोने नूं पानी चाहिए, तो झोना लाया होया सी, गुडाई करा रहे सी। झोने की गुडाई की होंदी है? उहदे विचों डीला कढ़ना हुंदा, उहदा नदीन, हुण तो चलो स्परे करके जिमीदार सर दिंदा, पहला हत्थी गुडाई होंदी सी। हुण जदों उन्होंने कहा भी खेतां विच ने, तो भाई लहणा गुरु नानक साहब जी दे कोल आ गया, नमस्कार कीती, ते उहने हुण वेख्या भी सतगुरु जी की कर रहे ने। जो कर रहे सन भाई लहणा ओही कुछ करन लग पिया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। कहीं हाथ जोड़ते फिरते सेवा दस्यो जी कोई। मैं कहा जिन्हें सेवा करनी है पुछदा नहीं है, वह तो सेवा दे विच लग्या होया है। तुसी कोई व्यापार करना होना, सेवा नहीं करनी, कोई सेवा दस्यो जी। सेवा जिन्हें करनी है वह तो सेवा चल रही है, वह तो सेवा दे विच लग गया, वह नहीं पुछदा सेवा करने वाला ना, वो तो देख के लग गया सेवा दे विच।
ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਐ ਨਹੀਂ ਐ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਲੱਗਿਆ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਵੀ ਕਰਤੀ। ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਸ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਚੋਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓਨ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੌਣ ਮਿਲਾਵੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਗੁਰੂ। ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ, ਕਿਹੜੇ ਭਗਤ ਜਨ? ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਬਈ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਸੌਣਾ, ਥਕੇਵਾਂ, ਅਕੇਵਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਸਿੱਖ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਮੰਨਿਆ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਨ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਮਾਇਆ ਖੜੀ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਿਨਾ ਦੇਖ ਮਨ ਚਾਓ ਠੰਡਾ ਹੋ ਕਦ ਪਾਈ ਹੁਣ ਦੱਸ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਚ ਚਾਹ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਭਗਤ ਜਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਤੀ ਵੀ ਸਿੱਖੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇਹ ਸੰਪੂਰਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਭਗਤ ਮੁਖਾ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸੇ ਬਚਨ ਹਵੰਦੇ, ਇਹ ਜੋ ਭਗਤ ਬਚਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਸੱਚ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਣੀਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪੂਰਨ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਨ ਵਿਰਲੇ ਨਾਹੀ ਘੜੇ ਫੈਲ ਫੱਕੜ ਸੰਸਾਰ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ ਪਰ ਵਿਰਲੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸੰਸਾਰ ਫੈਲ ਫੱਕ ਹੈ ਸਾਰਾ ਹੀ। ਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਵੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀ ਦਾ ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਦੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰ ਕਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਨਾਮੋ ਮੰਤਰ ਦੜਾਏ ਦਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਮੈਂ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਧੂਰੇ ਪਿਆ ਸੰਜੋਗ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਅੰਦਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਤਾਂਘ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਮਤਾਂ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ।
अपनिया वोटा बनाई जांदा अपने चेले बनाई जांदा ओ नहीं जोड़ेगा। ओ जोड़ के उन्हें अपना चेला घटाउणा है रब नाल जोड़ के, जिहड़ा रब नाल जुड़ गया उहनूं किहड़ा पुछेगा। इस करके भाई परमात्मा नाल मिलाउणा काम सिर्फ गुरु दा, गुरु दे कोल जुगत है, सीधे तौर ते नहीं तरीका है। जो कल की तरपाशाह जी ने बनाया कि भाई पंजा प्यारियां तो अमृत छकना निश्चा गुरु ग्रंथ साहिब जी ते रखना, ये चेते रखना भी दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी ते निश्चा। सत्कार सारे ग्रंथा नाल करना है असीं जिन्ने भी दुनिया दे हन, पर निश्चा आ गया भई अकाल की तवे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। निश्चा गुरु ग्रंथ साहिब जी ते होवे फिर अपना नितनेमी रहत विच पक्का ते अपनी किरत कमाई चो दसवंध कढ़न वाला होवे, ओ गुरु दे परवान हुंदा ते गुरु जी उहनूं परमात्मा दे नाल मिलाउणे है। एक प्रोसैस है जिहदे विचों सानू सारिआं नूं निकलना पैंदा है, ते जे उहदे च कोई कमी रह जाए ना फिर नहीं। दुनिया दा विहार है बई इत्थे 33% वाला भी पास हो जांदा है, पर धर्म दे विच 100% ही नंबर लैने पैने हैं। जदों तक 100 सेंटीग्रेड तो उपर पानी गर्म नहीं हुंदा ना वह भाप नहीं बनता, इस तरह इत्थे 100% ही नंबर लैने पैने हैं। इत्थे 99.99 ते वीरा बंदा रह जांदा है, 100 नहीं पूरे हुए। ते सतगुरां जी ने सानू देखना है भी जिहड़ा काम इहनूं करन वास्ते किया वह सही कर रहा है, ते उपास है भाई वह रब दे नाल मिल जांदा, वह तां रब दा ही रूप हो जांदा। कोई जन हार सिओ देवै जोर, हुण जन सेवक सतगुरु जी वाहिगुरु परमेश्वर जी दे सेवक ने, दास ने। मोको दास तवन का जानो जा मैं भेद ना रंच पछानो। कलगी तरपाशाह जी कहंदे फर्क ना समझो, मैं उस मालिक दा दास हां उस मालिक दा सेवक हां, गज के आखो सतनाम श्री। मोको दास तवन का जानो, मैनू उहदा दास समझो जा मैं भेद ना रंच पछानो। रंचक मात्र की फर्क नहीं है, मैं उहदा ही सेवक हां। गुरमुखो सेवक इक दा ही हुंदा है, दो दा सेवक नहीं हो सकता। जिहड़ा दो दा सेवक हुण मालिक कदों हाक मार देवे, कदे ओह बुला लवे कदे ओह बुला लवे, सेवक इक दा ही होया करदा, दोआं दा सेवक नहीं होया करदा, इक दा सेवक है ते असीं उहदे सेवक हां। ते परमात्मा दा सेवक है गुरु, ते गुरु ने सानू परमात्मा दे नाल मनाउणा। कोई जान हार सिओ देवै जोर, सानू कोई रब दे नाल मना देवे। हांजी चरण गहो बको शुभ रसना दीज है प्राण अकोर। हुण ये अपनी भावना नूं प्रगट कीता होया, शब्द हुंदे ने उत्तम रूप दे विच, उत्तम रूप दे विच अपने वल्लों बेनती कीती जा रही है। एक शब्द हुंदे ने हुक्म दे रूप दे विच, जिथे सतगुरु जी सानू कहिंदे भी आप जपो अवरह नाम जपावो। आम करके गुरबाणी दे विच जिथे हुक्म हुंदा उहदे विच हाहे नूं औंकण नाल ही आउंदा है, ते जदों अपने वल्लों उत्तम रूप दे विच बेनती हुंदी ना उत्तम पुरख दे रूप दे विच, फिर उत्थे ऊड़े नूं औंकड़ आउंदा है। जदों अपने वल्लों बेनती हुंदी है दोए कर जोर करो अरदास, हुण इत्थे अपने वल्लों में भी दोवें हथ जोड़ के बेनती करदा हां अपने वल्लों है, ते करो जे सानू करन वास्ते कहंदे फिर हाहे नूं औंकड़ होणा सी। इह बाणी दे भेद ने, इह इत्थे उत्तम रूप दे विच बेनती है। सतगुरु जी कहंदे साडे पिछे पिछे बोलो, की कहना चरण गहो मैं उहदे पकड़ा चरण, बको शुभ रसना ते रसना दे नाल मैं शुभ बचन बोला, किहदे वास्ते दीज है प्राण अकोर, ते मेरे जिहड़े प्राण ने ना ओह उहनूं भेटा वजों दे दित्ते जाण। भेटा हुंदी है ना जी, जदों कोई दीख्या लैंदा है तां दीख्या लैण दे विच पहलां भेटा हुंदी है, भेटा पहला रखनी पैंदी है। धार्मिक जगत दे अंदर भेटा पहला हुंदी,
दुनिया दे व्यापार दे विच अगे पिछे हो जांदा भी कोई गल नहीं, उधार भी चल जांदा, पर इत्थे भेटा जिहड़ी है ना पहला रखनी पैंदी। भाई दया राम, भाई धर्म चंद, भाई मुकम चंद, हिम्मत राय ने अपने सिर पहला सतगुरां जी नूं भेटा कीते ने, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। राजा जनक कहिंदा भी मैं घोड़े दी रकाब च पैर रखा ते घोड़े चढ़दिया मैनू कोई ज्ञान दवे। अष्टवक्र जी कहिंदे चल रख पैर, घोड़े चढ़न लग्या, कहिंदा चढ़ना नहीं, थले आ जाओ रे। कहिंदा तू मैनू गुरु बनाउण लग्या, भेटा कौन देऊगा, पहला गुरु की दखना रख, फिर गुरु तेनू उपदेश देऊगा। इस करके अपने प्राण जेड़े हन, अपनी जेड़ी जिंद है, वो मालक नू भेटा करनी पैंदी। इत मार्ग पैर धरीज, सिर दीज, कान ना कीज। ए ओ मार्ग गुरमुखो जेड़े मार्ग ते ना सिर दे के चलना पैंदा। सिर देण दा भाव की है कि साडे सत इंद्रे जेड़े ने ना वो साडे सिर नू ही लगे हुए ने। दो कान ने, दो नासा ने, मूह है ते दो अखां, ये सात इंद्रे हैं जेड़े वरतों विच रहिंदे हैं। बाकी दो इंद्रे मल मूत्र दे हैं, वो आरजी तौर ते वरते जांदे टाइम टू टाइम, ये हर वक्त असीं वरतदे हैं। ते हुण मर्जी नाल वेखणा नहीं, मर्जी नाल सुनना नहीं, मर्जी नाल बोलना नहीं, मर्जी नाल सुंघणा नहीं, अपनी मर्जी खत्म हो गई। अपना माइंड जेड़ा है वो अपना सतगुरां जी नूं अर्पण करता, सिर पेट करता भी हुण तू मर्जी नाल वेख भी नहीं सकदा, तू मर्जी नाल सुन भी नहीं सकदा, बोल भी नहीं सकदा, ते तू हुण मर्जी नाल सोच भी नहीं सकदा, क्योंकि तेरा सिर गुरु दा हो चुकिया। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। आपां कहिंदे भी मन नूं शांति आ जाए, साडा माइंड शांत हो जाए, हो जाऊगा। रख दो गुरु दे अगे नूं, ना मर्जी नाल सोचो। डिप्रैशन विच क्यों जाने, अपना बीपी हाई क्यों हुंदा है, आपकी मर्जी नाल सोचते हैं ना। जे जदों गुरु की मर्जी नाल सोचोगे बिल्कुल नॉर्मल हो जाऊगा। ये तकनीक है, इस ते सर्च हुई है। वो कहिंदे भी तुसीं सुखमनी साहब जी का पाठ करो, तुहाडा बीपी सैट हो जू। हुण कहांगे जी मैं तो दो बारी करदा सुखमनी साहब का पाठ, पर करदा किवें है, वह गुरु की मर्जी नाल नहीं ना करदा। साडे सिस्टम बनाया है भी अखंड पाठ साहब जिहड़ा है 48 घंटे दे विच संपूर्ण होना चाहिए जी, बोल के हो जांदा है, क्योंकि बनाउण वाले ने कोई गलती नहीं की हुई। जिहदी बाणी चलांता है, बाणी का अभ्यास है, 48 घंटे विच बोल के पाठ हो जांदा, वह किवें होगा। 2 घंटे दे विच कोई 58 अंग कर दे, कोई 62 कर दे, 2 घंटे दे विच 30 अंग, 30 दूनी 60। इहदा भाव भी 2 मिंट दे विच एक अंग होना चाहिए है। ये हुण सुखमनी साहब जी दे अंग किन्ने ने, 35, किन्ने टाइम च, 70 मिंट च, ते असीं तां 70 मिंट च 3 पाठ कर दिंदे आ। फिर कहिंदे मेरा बीपी ठीक नहीं होया, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। महा तेरा बीपी तां होर वधूगा भी जिहड़ा इन्ने टाइम दे थोड़े कम च टाइम च कर रहे तूं, ये तां होर टेंशन वधू तेरी। पाठ करो 1.25 घंटे दे विच सुखमनी साहब जी दा, फिर देखो सैट हुंदा कि नहीं हुंदा। गुरमुखो गिणतियां विच ना पो, बाबा जी कोई गिणती नहीं देखदे भी तू एक कीता कि दो कीता, नहीं, एक पाठ कर लो 1.25 घंटे दे विच, फिर देखो आनंद बनदा कि नहीं बनदा। साडे तां शरीर नूं नहीं पता लग्या सुखमनी साहब जी दा पाठ होया, मन नूं कित्थों पता लगना। जदों करोंगे ना 1.25 घंटे दे विच बोल के पाठ, तन नूं पता लगेगा पहला भी पाठ होया, फिर मन दे उत्ते अपने आप ही असर हो जाएगा। सो अपनी सोच छड के गुरु की सोच लो, सब कुछ सैट हो जाना। तो अपना सिर अर्पण करता, हुण मेरी सोच काम नहीं करती, हुण गुरु की सोच काम करती है। ते गुरु की सोच दे विच तां किते दिक्कत नहीं है, गुरु की सोच लैके तो महाराणा रणजीत सिंह चलिया, उन्होंने अटक दरिया रोक के रखता, गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। पहाड़ा ते चढ़ के सिख घोड़े लैके, गुरु की सोच सी, अपनी सोच तो कहती है किवें होगा, हो ही नहीं सकता। उदों भी सीगे साडे वर्गे भी हो नहीं सकता, पर रुड़ के बिचे साडे वर्गे उदों भी सन, पर जेड़े कहने नहीं गुरु चाहे सब कुछ हो सकता है, तो उन्होंने सारा कुछ हो गया। गुरु चाहे, मैं नहीं चाहता, गुरु चाहे सब कुछ हो सकता है। तो इस तरह अपना भेटा करना, प्राण अपनी जिंद मैं अर्पण कर दिया। हाँ जी,
रहाओ। ए रहाओ दा बंद है जो के शब्द दा केंद्री भाव है, कोई जन हरस्यो देवे जोर, चरण गहो बको शुभ रचना दीजे प्राण अकोर। हां जी। मन तन निर्मल करत के आरो, हर सिंच सुधा संजोर। हुण जिन्हें मिलाउणा उन्हें की कहा, सतगुरु जी कहंदे भी अपने मन ते तन नू ना क्यारे बना के पवित्र कर। पहला गल मन दी आई है जी, जे मन साफ होवेगा तन तां कुछ नहीं कहंदा, क्योंकि तन तां मन दे नाल ही जुड़िया होया है। तन ओही करदा जो मन कहंदा है। मन पवित्र हो गया, तन अपने आप ही पवित्र हो गया। क्यारे बना के सहजे सहजे हौली हौली पवित्र करो। हर सिंचे सुधा संजोर, फिर भाई इनू चंगी तरह अमृत दे नाल सिंचना करो। हां जी। या रस मह मगन होत कृपा ते महा बिखियाते तोर। या रस मह मगन होत कृपा ते, इस रस दे विच मगन हुंदा मालिक दी कृपा दे नाल महा बिख्या ते तोर, जेड़ा भाई इस माया दे प्रभाव तो अपने आप नू मुक्त कर देंदा है, तोड़ लेंदा है। हां जी। आयो सरण दीन दुख पंजन चितवाओ तुमरी ओर। हुण होण वाला कुछ भी नहीं है, असि कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि साडे मन दे उत्ते माया दा प्रभाव है, बकारां दा प्रभाव है। फिर की करिए, सतगुरु जी कहिंदे अरदास तां कर सकदे ना। आयो सरण दीन दुख भंजन चितवों तुमरी ओर। हे मेरे मालिक, तू दुखियां दे दुखां दा नाश करन वाला है, दीन दर्द निवार ठाकर राखे जन की आप। दीन दर्द दुख भंजना घट घट नाथ, नाथ शरण तुम्हारी आयो, नानक के प्रभ साथ। हे वाहिगुरु जी, तू दीना दे दुखां दा नाश करन वाला है, ते मैं तुहाडी शरण दे विच आया। चितवों तुमरी ओर, ते मैं सिर्फ तुहाडे वल ही वेहना। एक आसा दस प्यासा आन ना पावे, मेरा तू ही है, ते मेरा ध्यान तेरे दे विच ही है, तेरे वाली वेहना, तू ही मेरे ते कृपा करनी है। हां जी। अपै पद दान सिमरन स्वामी को, प्रभ नानक बंधन छोर। मैं हर वक्त डरदा कि तो बकारा तो, ते पातशाह जी कृपा करो मैनू अभय पद दान सिमरन स्वामी को, मैनू निर्भयता दा डर बख्शो, भी मैं इन्हां बकारा तो डरा ना, ते सिमरन दा मैनू दान बख्श दिओ मालिक जी। प्रभ नानक बंधन छोर, धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे हे वाहिगुरु जी, जेड़े मैनू बंधन पए होए हन, इन्हां बंधना तो छटाउण वाले तुसी ही हो। इस तरह भाई जेड़ी साडी धर्म दी धर्म साल है ना, वह अरदास तो शुरू होंदी है, ते अरदास ते ही समाप्त होंदी है। गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। असी मंगना ते अरदास करके मंगना, ते जे ओ मिल गया फिर अरदासां करनियां, भी उहदे विच खियानत ना पै जावे, उहनू सांभण दी समर्था भी तुसी बख्शनी। इस तरह फिर साडा सारा जीवन गुरमुखो अरदासां दे विच ही बतीत होंदा है। इस करके हर वक्त ही अरदास करनी, कृपा करो दीन के दाते, मेरा गुण आव गुण ना बिचारो कोई, माटी का क्या तुपै स्वामी मानस की गत, यही मेरे मन सतगुर सेव सुख होई, जो इच्छो सोई फल पाओ, फिर दुख ना व्यापै कोई। पातशाह जी दी बाणी जो गाद बोध है, ऐसी बाणी दी विचार करदिया होया होइया भुला लई दास खिमां दा जा चुकै। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।